गरुड़ पुराण के आचार कांड में नैमित्तिक तथा प्राकृतिक प्रलय और भगवान विष्णु से पुनः सृष्टि का प्रादुर्भाव। सूर्य ने कहा 4000 युगों के बीतने पर ब्रह्मा का नैमित्तिक प्रलय काल आता है। कल्प के अंत में 100 वर्ष तक अनावृष्टि होती है। आकाशमंडल में प्रचंड रूप से संतप्त करने वाले भयंकर 7 सूर्य उदित हो जाते हैं। वे अपनी प्रखर रश्मियों से संपूर्ण जल राशि का पान करके तीनों लोकों को सुखा देते हैं। भगवान विष्णु रुद्र स्वरूप धारण करके भूरलोक, भवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक तथा पाताल लोक की समस्त चराचर सृष्टि को जला देते हैं। भगवान विष्णु तीनों लोकों को जलाने के बाद संवर्तक नाम के मेघों की सृष्टि करते हैं। नाना प्रकार के महामेघ 100 वर्षों तक बरसते हैं। विष्णु रूप में स्थित वायु अत्यंत तेज गति से 100 वर्षों तक चलती है। उस जल वृष्टि से समुद्र के समान उताल तरंगों वाले संसार के इस परले काल में स्थावर जंगम के नष्ट होने पर ब्रह्म स्वरूप भगवान विष्णु अनंत शैया पर शयन करते हैं। 1000 वर्ष तक सोने के पश्चात जब वे जागते हैं तो पुनः उन्हीं के द्वारा इस जगत की सृष्टि होती है। हे शौनक, इसके बाद मैं प्राकृतिक प्रलय का वर्णन करता हूं, उसको आप सुने। ब्रह्मा के 100 वर्ष बीत जाने पर भगवान हरि अपने योग बल से समस्त सृष्टि को अपने में लीन करके ब्रह्मा को धारण कर लेते हैं। इस काल में जो प्राणी ब्रह्मलोक में स्थित रहते हैं वे ही भगवान विष्णु में लीन हो जाते हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, उस काल में अनावृष्टि करने वाले सूर्यों से संपन्न मेघ थे। मेघों के लगातार 100 वर्ष तक बरसते रहने से संपूर्ण ब्रह्मांड जल से भर उठता है। अंदर प्रविष्ट हुई उस जल राशि से ब्रह्मांड फट जाता है। ब्रह्मा की आयु पूर्ण होते ही सब कुछ जल में ही लय हो जाता है। संसार में कुछ भी शेष नहीं रहता। संसार को आधार प्रदान करने वाली ये पृथ्वी भी उस जल राशि में डूब जाती है। उस समय जल तेज में तेज, वायु में वायु, आकाश में और आकाश भूत आदि महतत्व में प्रविष्ट हो जाता है और वह महतत्व प्रकृति में तथा प्रकृति अव्यक्त परम पुरुष में लीन हो जाती है। वे हरि अव्यक्त रूप 100 वर्ष तक सोते हैं। तंत्र ब्रह्मा का दिन आने पर अव्यक्त आदि क्रम से पुनः व्यक्ति भूत चराचर जगत की सृष्टि करते हैं।